आपका आपके इस चैनल रजा इंटीरियर में। तो आज मैं आपके लिए एक मॉडलर किचन का डिज़ाइन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो आज मैं आपको इसमें सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसमें कितना खर्च आता है, इसकी लेबर रेट क्या है और ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्या मटेरियल लगाया है इसमें और कहाँ कहाँ पर हमने किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट की है। तो आज मैं इसमें सारा कुछ बताऊँगा। तो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के, हम सिंक से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने सिंक ले लिया है और सिंक के नीचे दो हमने पल्ले ले लिए हैं। इसमें हमने एलबीआरई कब्जों का यूज किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में एलबीआरई कब्जे हमने इसमें लगाए हुए हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज हैं। आगे देख लेते हैं, तो आगे हमने यहाँ पे बास्केट ले ली है जो कि 8 इंच की प्लेन बास्केट है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने यहाँ पे बास्केट ले ली है 8 इंच की और हमने यहाँ पे 20 इंच के हैटिक के चैनल लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये बहुत ही सॉफ्ट क्लोज चैनल हैं, कितनी आराम से मलाई सी चल रही है, ड्रॉर देख सकते हैं आप। और नीचे हमने यहाँ पे ले ली है, ये भी हमने 8 इंच की ली है पार्टीशन बास्केट जो कि स्टील वायर से बनी हुई है और इसमें भी हमने यहाँ पर 20 इंच के चैनलों का सेट का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो हमारी चैक में सरमाई का आ जाती है वुडन शेड में, वो हमने यहाँ पे लगाई है। और यहाँ आ गया आपका कॉर्नर, आप देख सकते हैं हमने इसमें सिंगल ही पल्ला दिया है, कॉर्नर नहीं बनाया है। यहाँ हमने कब्जों का यूज़ किया है, हैटिक का जो सॉफ्ट क्लोज आता है, जो एलबीआरई कब्जा है वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 जोड़ी ले ली है बिना किसी वेस्टेज के, हमारा कॉर्नर भी निकल गया और यहाँ पे हमारा वेस्ट सामान जो बड़ा सामान है वो भी आ सकता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी एलबीआरई कब्जे ले लिए हैं जो हाफ टक्कर का हमने इसमें लगाया है और फुल टक्कर का हमने इसमें लगाया है, जिसको 0 क्रेन और 8 क्रेन का कब्जा बोलते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर हमने 8 क्रेन का लगाया है और यहाँ पर लगाया है हमने 0 क्रेन का, देख सकते हैं वीडियो में। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा सिलेंडर का आ गया, यहाँ पे हम सिलेंडर रखेंगे ट्रॉली के साथ, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है सिलेंडर का 15 इंच का। इसमें भी हमने डड्डू कब्जों का ही यूज किया है। यहाँ हमारे आगे कटलरी में हमने यहाँ पे फोल्डिंग दे दिया है, ये फोल्डिंग प्लास्टिक है, इसको आप धो भी सकते हैं निकालने के बाद, तो ये अलग से आपको परचेस करना पड़ता है। ये हमने यहाँ पे कटलरी हाथ से ही बना रखी है और इसके अंदर जो ये बोर्ड लगा है ये पीवीसी बोर्ड लगा है, ना कि एचडीएमआर ना प्लाई, ये पीवीसी बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पीवीसी बोर्ड है। और इसके नीचे आ गया आपका आटे का ड्रम रखने के लिए जो कि 8 इंच की बास्केट है और 20 इंच के इसमें हमने चैनल लगाए हैं, देख सकते हैं आप। और नीचे हमने यहाँ पे सिलेंडर का, ये इसका सिलेंडर का पाइप आ जाएगा, चूल्हे की वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है जो कि हमने स्विच भी नीचे ही दे दिया है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है आपका। और चैनल इसमें 20 इंच के ही इस्तेमाल किए हैं, ये देख सकते हैं आप, सॉफ्ट क्लोज चैनल है, बहुत ही जबरदस्त चीज बनी हुई है। और यहाँ पे आपका वॉटर फ्लोट आ गया 2 फ्लोट वाला, जो कि 2 फ्लोट हमने इसमें दे रखे हैं और इसमें भी 20 इंच की चैनल का यूज किया है, देख सकते हैं आप। पीवीसी बोर्ड है, बोर्ड पीवीसी है, एचडीएमआर नहीं है, प्लास्टिक का बोर्ड है, देख सकते हैं आप, ये इसमें बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग दे रखी है। आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ पे बड़ा स्टोरेज दे दिया, आप इसमें कोई भी अचार वगैरह के, घी के और आटे के जो अपने स्टोरेज है इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पिलर को कवर कर रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ हमने एलबीआरई कब्जों का यूज किया है, इसमें भी कहीं भी हमने कोई सा लेंथ वाला कब्जा नहीं लगाया, यहाँ पे भी हमने एलबीआरई कब्जों का ही यूज किया है। तो अब देख लेते हैं ऊपर का, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कैबिनेट में 2 पल्ले ले लिए हैं पिलर को कवर करते हुए, यहाँ पे हमने आपकी वेस्ट जगह जो वो भी कवर कर ली है और सिमेट्री बना दी है। और इसके साइड में हमने यहाँ पे शीशे का पल्ला ले लिया है, आप देख सकते हैं, ये एल्यूमिनियम की जी प्रोफाइल लेंथ आती है उसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना यूनिक डिजाइन लग रहा है, पीवीसी के बोर्ड के साथ सरमाई का लगा के और उसके ऊपर शीशे का पल्ला, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे हमने चिमनी ले लिया है, जो कि चिमनी जो हमारी है वो सेंसर वाली नहीं है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक चिमनी लगाई है जो कि बटन से चलती है, ये टच चिमनी नहीं है जो आजकल चल रही है, वो अपडेट नहीं है वर्जन, ये पुराना वाला है। और यहाँ पे भी हमने शीशे की वायर, जो शीशे का पल्ला है उसका ही यूज किया है।
ये जी प्रोफाइल से बनाया जाता है, और ये जो इसके अंदर ग्लास है ये इसके ऊपर शेड लगाया हुआ है, इसमें बाहर का अंदर का कुछ भी नहीं दिखता बाहर से, तो इसमें ये अंदर शेड लगाया हुआ है जो कि आपका अंदर से रफ है और बाहर से आपका स्मूथ है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे पार्टीशन ले लिया है इस वाले बॉक्स में, और ये हमारी फोल्डिंग सेल पे रखी हुई है, आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं यहाँ से, इसको फोल्डिंग है, इसको उठा के अपना कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छी किचन लग रही है ये। और यहाँ आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा स्टोरेज वेस्ट जो स्टोरेज है बड़ा सामान यहाँ रख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक बॉक्स और मिल जाता है आपको सामान रखने के लिए। तो ये बहुत ही पीवीसी में अच्छी फिनिशिंग आई है, अगर आपको काम कराना है तो पीवीसी में कराए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा है। और ये चिमनी की जो आपकी ऊपर से पाइप आ रही है वो चिमनी की पाइप है, देख सकते हैं आपका जो धुआं वगैरह है वो यहाँ से डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। और हमने इधर पे यहाँ ये वेस्ट जगह थी हमने इसको कवर कर लिया है, तो हमने इसको ऊपर से ऐसे ही बस इसमें पल्ले का शेप दे दिया। आपको बता देता हूँ कि इसका खर्च कितना आता है अगर आप इसको बनवाते हैं, तो अगर आप इसको लेबर रेट पर बनवाना चाहते हैं तो 400 रुपए पर स्क्वायर फीट, अगर आप इसको मटेरियल हमारा होगा विद मटेरियल बनवाना चाहते हैं तो 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये बनवाया जाएगा। तो अगर आपको बनवाना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी कॉल का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक ऑन एवरेज बता देता हूँ कि मिनिमम कितना खर्च आता है अगर आप लेबर रेट पर करवाना चाहते हैं, तो लेबर रेट पर इसका खर्च आता है आपको 30 से 35 हज़ार रुपये।